हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो IIT और नीट फाउंडेशन के देख रहे हैं। ये आप पाएंगे कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बेसिक हैं, बस थोड़ा सा दिमाग जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है और सवाल आसानी से हो जाता है। इसी तरीके के सवाल आप देखेंगे कि IIT मेंस, एम्स, पैरामेडिकल और नीट में आते हैं, है ना। इससे कोई अलग तरीके के सवाल नहीं आते कि बहुत ज़्यादा टफ हो। आप देखेंगे कि जो क्राइटेरिया रहता है वो 75% जो है इसी तरीके के क्वेश्चन का रहता है। 10% बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, बचा हुआ जो 15% है ना वो मॉडरेट आता है, थोड़ा सा टफ और दिमाग लगाना पड़ता है। तो बच्चे उस 10% के चक्कर में वो बेसिक सवाल करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनकी मार्किंग अच्छी हो सकती थी। हम उसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ताकि हमें मार्किंग करनी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं इस समय। एक बात और कहना चाहूँगा, बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप बोलते हैं कि हाँ सर आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जाएंगे, मिलियंस में जाएंगे एंड ऑल। ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ही होगा बच्चों। अगर आप ये निश्चित कर ले कि हाँ सप्ताह के अंदर हम 5 सब्सक्राइबर जोड़ सकते हैं इस चैनल से, तो पता नहीं क्या हो सकता है इस चैनल के साथ में। सोचिए इस समय 5000 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से लेट सपोज करो 1000 सब्सक्राइबर भी ऐसे मान लें कि जो हाँ एक्टिव हैं इस चैनल के ऊपर, तो 5-5 जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से सप्ताह भर में पता नहीं हम कहाँ होंगे, ठीक है। तो यही तरीका होता है किसी भी चैनल के ग्रो करने का, और कोई तरीका भी नहीं है। हाँ, आपको बात अच्छी लगे तो अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ पढ़ाई तो रोकनी ही नहीं है। चलो वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के ऊपर आ चुके हैं, है ना। तो अब वो क्वेश्चन करेंगे जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव से रिलेटेड है। एक आप सभी का जो रिप्लाई मिला मेरे को लास्ट क्वेश्चन के लिए कि सर ए ऑप्शन सही है, EA इज ग्रेटर देन EB, ए पर विद्युत क्षेत्र का मान बी से विद्युत क्षेत्र से अधिक है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने रीजन लिखा है कि सघन विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो अधिक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और विरल विद्युत बल रेखाएं या दूर दूर विद्युत बल रेखाएं दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ये बहुत बढ़िया लॉजिक है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा करेंगे, 5 या 6 वीडियो आएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए, दो समान आवेश स्मॉल क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दो समान आवेश कैपिटल क्यू वाले दो आवेश जो हैं वो कुछ दूरी पर रखे गए, लेट सपोज करो वो r दूरी है। इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है, मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश। तो मतलब अगर ये दूरी पूरी आर है तो फिर ये दूरियां कितनी होनी चाहिए बच्चों, r/2 और r/2। सवाल को अच्छे से पढ़ें समझें, ठीक है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल क्यू का मान हो, निकाय संतुलन में है, स्मॉल क्यू संतुलन की बात नहीं कर रहे, निकाय के संतुलन के लिए स्मॉल क्यू का मान कितना होना चाहिए, ये 12वीं का ही सवाल है, और इवन बहुत बार किया होगा, बहुत बार क्या होगा। चलो मैं वापस से करवा देता हूं। आप अगर निकाय संतुलन में है तो बच्चों तीनों आवेशों पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए, स्मॉल क्यू पर तो शून्य है ही, आप देखेंगे जितना ये बल लगा रहा है उतना का उतना ये बल लगा रहा है, क्योंकि ये आवेश समान है, दूरियां समान है, तो इस पर लगने वाला बल तो शून्य ही है। लेकिन इससे अपन को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्यू का मान नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, या तो आप इस पर परिणामी बल को शून्य बताओ या फिर इस पर परिणामी बल को शून्य बताओ, तभी जाकर के आपको क्या मिलेगा बच्चों, वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। अब कैसे होगा, लेट्स सपोज करो मैं इस पर बल की बात कर रहा हूँ, तो हम बोल रहे हैं कि ये क्यू और ये क्यू एक जैसे हैं, तो इसका मतलब प्रतिकर्षित करेगा, ये बल ऐसा होगा कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल। लेकिन ये वाला बल जो है विपरीत दिशा में होना चाहिए, तभी जाके तो बल शून्य होगा, परिणामी बल तभी तो शून्य होगा, ठीक है। तो ये वाला बल ऐसा लगना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों धनात्मक हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऋणात्मक होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, क्यों कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक,
कैसा बच्चों? ऋणात्मक होना चाहिए, प्रकृति यही क्लियर हो गई, आकर्षण का बल लगना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? तो जो भी वैल्यू आएगी एंड में उसके साथ में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे पहला। दूसरा, इस बल का और इस बल का मान बराबर होना चाहिए। इस बल को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल क्यू पे लग रहा है, किसके कारण? स्मॉल क्यू के कारण। कुछ बच्चे डायरेक्ट आंसर के ऊपर स्विच कर जाते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, लास्ट वाला रिजल्ट देखते हैं, सर ये कहाँ से है। ऐसा मत करो बच्चों, वीडियो पूरा देखो भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आप भी करें ना। चलिए, तो हमने क्या देखना है? एफ कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू बराबर होना चाहिए एफ कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। परिमाण में तो ऐसे ही होना चाहिए, दिशा पता चल गई इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, और ये क्यू कैसा होगा? एंड में हम माइनस लगाएंगे, हम खुद लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्यू और क्यू के बीच का बल है, इन दोनों के बीच का बल, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर है। तो बल देखिएगा, के दोनों आवेश क्यू वन और क्यू टू डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है? आर, और उसका क्या वर्ग बराबर होना चाहिए इन दोनों के बीच में। देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा? के कैपिटल क्यू आवेश और स्मॉल क्यू आवेश, ठीक है। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? r बाई टू है। तो ये r बटा दो और उसका क्या स्क्वायर, ये शायद मैं दूसरी बार करवा रहा हूँ, यही होना चाहिए, ठीक। चलो काटो, के क्यू से के क्यू कैंसिल, फिर q बटा स्मॉल r स्क्वायर बराबर होना चाहिए स्मॉल q डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा? r स्क्वायर और चार, चार कहाँ गया? ऊपर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के रामायण कैंसिल, मेरे को तो स्मॉल क्यू चाहिए ना। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या आया बच्चों? क्यू बाई फोर। बताओ आया नहीं आया? आया। चलिए फाइनली इसका आंसर कैसा लिखना है? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आपने बहुत बार किया होगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, और बाप रे कितनी बार आया हुआ ये सवाल, माइनस का क्यू बाई फोर, ठीक है। बी ऑप्शन देख लीजिएगा, माइनस का क्यू बाई फोर आएगा। देखो नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बच्चों, अब देखिए सेकंड। सेकंड क्या होगा? एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव होगा। खोखला गोलाकार आवेशित चालक, देखो अगर गोला है बच्चों तो गोले के लिए ग्राफ ध्यान में रखो, इस तरीके के सवालों में ग्राफ ध्यान में रखो आप। खोखले गोले के लिए विभव का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, यूं और फिर यूं, ऐसा ही बना रहे थे ना। और खोखले गोले के मध्य, मतलब खोखले गोले के अंदर, मध्य का मतलब बीच में, बीच कहां पर होगा? अंदर होगा। अंदर विभव कैसा होता है? नियत। कैसा होता है? नियत। कितना? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, या स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, इतना ही होता है, सतह के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? ए नियत होता है, दिखाई दे रहा है सामने, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए अगला तीसरा सवाल, आप एक बार मैं वीडियो चलो चेक ही कर लेता हूँ, वीडियो ठीक तो आ रहा है, ओके लाइटिंग इफेक्ट भी आ गया है, चलो इसको भी ठीक करता है। हाँ भाई आगे देखिए, दो छोटे गोलाकार परस्पर, मतलब दो छोटे गोले परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं, प्रत्येक पर स्मॉल q विद्युत आवेश है। यदि एक गोलाकार, मतलब एक गोले को दूसरे गोले के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए तो किया गया या संपन्न कार्य होगा शून्य। देखो क्या बोल रहा है, दो छोटे से गोले, एक पर आवेश स्मॉल q, दूसरा उतना ही आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? स्मॉल r, ठीक है, ऐसा ही तो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि यदि एक गोले को दूसरे गोले के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए, तो इसको मैं केंद्र मान लूं और इस वाले गोले को घुमा रहे हैं ऐसा वृत्तीय पथ पर, तीसरा सवाल कर रहे हैं अपन, है ना, ऐसा घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा? सिंपल सा था भाई, आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है तो हर जगह इस बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यहां पर भी के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यहां पर भी के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये पूरा वृत्तीय पथ देखा जाए तो क्या है? एक सम विभव पृष्ठ है, एक सम विभव वाला पथ है, क्लियर है ये बात? तो और अगर सम विभव में, सम विभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेकर के जाओगे, किया गया कार्य कितना? देवताओं शून्य।
संपन्न कार्य कितना? जीरो लिखोगे, ध्यान में रखिएगा। बहुत सिंपल सवाल है, शून्य लगा लीजिएगा, डी आएगा तीसरे का। फोर्थ देखिए, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। देखो अगर विद्युत आवेश गति कर रहा है तो दो चीज़ें उत्पन्न होंगी होंगी, क्या? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान गति है तो यही दो उत्पन्न होंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ए नहीं, बी नहीं, सी देखिए, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल देखिए, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलों को पतले तार से संयोजित करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि? हाँ, तो क्या होगा बच्चों? देखो दो त्रिज्या के गोले हैं आपके पास में, अलग अलग त्रिज्याओं के, है ना, एक की त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर और एक की कितनी 15 सेंटीमीटर, और इनको एक चालक तार से जोड़ दिया और बोल रहा है कि चालक तार से जोड़ने पर दोनों के मध्य आवेशों का प्रवाह नहीं होता या फिर कोई धारा नहीं बहती, ऐसे तो बोल रहा है ना, कोई धारा नहीं बहती। अगर इन दोनों के बीच में कोई धारा नहीं बह रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि जितना विभव इसका है उतना का उतना विभव इसका है। अगर विभव समान होता है ना बच्चों, तभी धारा नहीं बहती है, विभव अलग अलग होगा तभी धारा बहेगी, विभवांतर होना चाहिए धारा बहने के लिए। यहाँ पे तो विभवांतर शून्य है, विभवांतर शून्य मतलब विभव बराबर है दोनों का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन देखिए, दोनों का विभव क्या है? समान दिखाई देगा, बी ऑप्शन सही है इसका। हाँ भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए सभी, मैं एक बार के लिए बोर्ड को रब कर देता हूं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक गोला, छठा सवाल ही तो कर रहे हैं, और कैसा है? गोलीय कोश, उसकी त्रिज्या कुछ भी हो, बोल रहा है गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? जीरो होता है, यही पढ़ा है, कितना होता है? जीरो होता है, ध्यान में रखिएगा। कितना लिखोगे? शून्य, ए ऑप्शन लगा लीजिएगा बच्चों इसका। सातवां देखिए, सातवां क्या है, किसी भी बिंदु x, y, z और वैसा कुछ दिया हुआ है आगे, वहां पर उस बिंदु पर विभव कितना है? V is equals to 4x square, इतना वोल्ट विभव है वहां पर। बिंदु 1.02 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर में होगी। आईआईटी में और पीएमटी दोनों में आया हुआ सवाल है। अरे बहुत सिंपल सवाल है ना बच्चों, विद्युत क्षेत्र निकालना है, वी दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो क्या भाई? एक्स के पदों में है ना, तो हमने सबसे पहले निकालना है डेल वी अपॉन डेल एक्स। वाई और जेड तो है ही नहीं, तो एकमात्र यही चीज निकालना, ठीक है, तो आप इसका अवकलन करो बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स और 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर का अवकलन आना चाहिए, चार आगे ले आओ, x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2x होता है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? कितना आएगा भाई? 8x आएगा, दे देता हूँ। ये क्या है? डेल v अपॉन डेल x, डन हो गया। चलो अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बराबर होता है माइनस का डेल v अपॉन डेल x, आई कैप लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगा करके डेल वी अपॉन डेल वाई वो कर सकते हो, लेकिन वाई का पद है ही नहीं, तो फिर इतने से ही रामायण खत्म करो, है ना, आपको तो अब बोर्ड में थोड़ी करके आना है, ठीक है, तो माइनस लगाया डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब 8x, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? आई कैप। ये विद्युत क्षेत्र है किसमें? सदिश रूप में। अब वो बोल रहा है कि कौन से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र? 1.0 फिर 2 मीटर, एक्स वाई और जेड। वाई और जेड तो आने ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ x के लिए तो आना है, x की जगह कितना रखना है? 1 रखना है, तो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर कितना होगा? माइनस का 8, 1 रख दिया तो इतना का इतना, और आई कैप, ध्यान में रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक, किसमें? वोल्ट पर मीटर में, ध्यान में रखिए। ओहो, हिंदी में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन देखो 8 ऋणात्मक, बिल्कुल सही बैठ रहा है x दिशा में, बिल्कुल सही बात है, एक्स दिशा में, आई कैप तो लगाया ना, 8 ऋणात्मक है एक्स दिशा में, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ए बिल्कुल लगा लीजिएगा, सही है, काम हो जाएगा। फिर आठवां देखिए सवाल, आठवां सवाल देखिए,
एक 5 सेमी त्रिज्या के खोखले गोले को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। गोले के केंद्र पर विद्युत विभव होगा। देखो खोखला गोला है बच्चों, थोड़ी देर पहले खोखले गोले का ग्राफ बनाया था अपन ने, है ना। क्या बोल रहा है भाई कि इसको आवेशित किया जा रहा है। खोखला गोला 5 सेंटीमीटर का है और इसको आवेशित किया जा रहा है कितने वोल्ट से, 10 वोल्ट से। मतलब इसकी सतह पर कितना वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब बोल रहा है कि इसके केंद्र पर कितना विभव होगा। मैंने आपको सारणी बनाई थी ना, केंद्र पर अंदर और सतह पर विभव समान होता है खोखले गोले में और चालक ठोस गोले में, ठीक है। तो जितना सतह पर विभव है उतना ही केंद्र पर भी विभव होगा, ध्यान में रखिएगा। 10 वोल्ट लगा लीजिए, बी ऑप्शन है 10 वोल्ट, ठीक है, इतना लगाओ। आगे देखिए, जब एकांक धन आवेश को सम विभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। सभी को पता है आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है। डी ऑप्शन देखिए, कोई कार्य संपन्न नहीं होता। डी ऑप्शन परफेक्ट है इसका, आपने मेरे से पहले ही लगा लिया होगा। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां क्या बोल रहा है, ऋण विद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती हैं। ये लो ऋण आवेश, माइनस का क्यू, माइनस का आवेश। बल रेखाएं कैसी होती हैं, अंदर की ओर आती हुई होती हैं क्या, लंबवत अंदर की ओर आती है ना, ऐसा ही है। चलिए देखो, वृत्ताकार, वृत्ताकार तो बल रेखाएं होती नहीं है, तो वृत्ताकार और वृत्ताकार बी ऑप्शन भी हट गया। सी देखिए, त्रिज्या ऊपर की ओर, ये क्या चीज है। डी ऑप्शन देखिए, त्रिज्या बाहर की ओर, नहीं भाई बाहर की ओर तो नहीं है, बाहर की ओर मतलब ऐसा जाना, ऐसे थोड़ी होती है, नहीं होती ना, यही तो है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, त्रिज्या ऊपर की ओर, सी ही देखा जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी आएगा, तो वहां पे लिखा हुआ होगा त्रिज्या को बोलते हैं रेडियली, ठीक है। और फिर ऊपर की ओर के लिए उन्होंने एक वर्ड दिया होगा इंग्लिश के अंदर, वो मैच कर लीजिएगा, इनवर्ड। इसको क्या बोलेंगे, इनवर्ड, और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियली, रेडियली एंड इनवर्ड या रेडियल इनवर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप वहां से भी मैच कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। अभी तक 3 तो गलत थे, ए बी और डी तो पूरी तरीके से गलत है, तो ऑटोमेटिकली फाइनली जो हमें नहीं समझ में आए वही इसका आंसर हो सकता है। उपरोक्त में से कोई है नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। चलो 11वां सवाल देखिए, ग्यारहवा देखिए क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के चारों कोनों पर इतने कूलम आवेश को रखा गया है, विकर्ण के प्रतिच्छेदी बिंदु पर विभव क्या होगा। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, देखो वर्ग दे रखा है और उसकी भुजा दे रखी है, ये कौन सा सवाल है, 11वां। इस तरीके के सवाल आपने 12th में कर रखे हैं बच्चों, बहुत बार किए हैं ऐसे, 6 या 7 सवाल हैं, 6 या 7 सवाल, और हर एक पर मैं आवेश यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि आवेश का मान कितना दे रखा है, 10/3 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, ये आवेश दे रखा है, और भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। विकर्ण का प्रतिच्छेदी बिंदु, ये इसका विकर्ण ऐसा होगा क्या। कुल मिलाकर के वर्ग के केंद्र पर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ये चारों कोनों पर आवेश देखो ये समान है, क्यों ही है, ठीक है। और अगर आपको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हो तो आप सभी को पता है क्या होता है, √2a होता है। और अगर केंद्र से किसी भी कोने की दूरी देखोगे जो कि आपको ज्ञात ही करनी है, जो यहां पर r की तरह बिहेव करेगी, तो r बराबर वर्ग के लिए ध्यान में रखना a/√2 होता है। r क्या होता है, a/√2 वर्ग के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए a/√3 होता है। ये ध्यान में रखने लायक बात है क्योंकि अब बार बार तो मैथमेटिक्स करने नहीं बैठेंगे इन चीजों के लिए। तो वर्ग के लिए r बराबर कितना होता है, केंद्र पर, है ना, a/√2, a का मान कितना 8, और वो भी सेंटीमीटर में। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये होगा 8 और सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2, और यहाँ पर √2 आएगा, ठीक है, ये r का मान है। चलिए केंद्र पर विभव कितना होता है, आंसर है k/r
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जितने भी आवेश हैं सभी को जोड़ो और क्यू बाई आर से गुणा करो। क्यू बाई आर कहाँ से आया भाई? अरे किसी भी बिंदु के कारण विभव कितना होता है? के क्यू बटा आर। कितनी बार जोड़ोगे? 4 बार। ठीक है, इस तरीके से K का मान कितना? 9 × 10⁻⁹। R का मान कितना? जितना लिखा हुआ है 8 × 10⁻²। और रूट दो कहाँ चला गया? ऊपर। ठीक है, ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कितनी बार जोड़ना है? 4 बार। ये तो सारे एक जैसे ही है क्या? तो इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 4 से गुणा कर लो। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत? अरे कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 4 बार जोड़ लो या 4 से गुणा कर लो अगर समान राशि है तो, बात एक ही आती है। मैथमेटिक्स बताओ नीचे भी। 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 काम बिगाड़ा है। 5 × 3 = 15, √2, 15 √2। ठीक है, अब देखो घात, ये रामायण तो कैंसिल, ये 10⁻², ऊपर जाती 10⁻²। वोल्ट आंसर देख लीजिएगा, 15√2 × 10⁻²। हाँ मैच कर रहा है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1500 लिख सकता हूँ क्या? 1500√2। बताओ भाई लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? मैच करता हुआ दिखाई देगा, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 1500√2 वोल्ट। क्या बात है, बिट्स प्लानिंग में आया हुआ है। ओके, ऐसे BIT लिखा हुआ है। ओके, हो गया ये क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, 13वां सवाल देखिए, 13। थर्टींथ क्वेश्चन देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है? यदि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर जो आवेश दिया हुआ है वह आवेश क्रमशः स्थित है तो त्रिभुज के केंद्र पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समबाहु त्रिभुज ना, और इसके तीनों शीर्षों पर, तो लेट सपोज करो ये वाला 2q है, ये वाला माइनस का क्यू है और ये वाला माइनस का क्यू है। ठीक है, और त्रिभुज के केंद्र पर क्षेत्र और विभव की बात कर रहा है। तो ये तो बात ध्यान में रखने लायक है। देखो मैं बताता हूँ, ये बात तो ध्यान में रखने लायक है बच्चों कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का केंद्र समान दूरी पर होता है तीनों शीर्षों से। ठीक है, आर आर आर, और ये R कितना होता है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, a/√3 होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। क्या भुजा दे रखी है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट चेक करवा रहा है कि क्या होता है, चेक कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा, मैं विभव की बात करता हूँ, ये होगा k/r करो क्योंकि सारी दूरियाँ बराबर हैं। कितने आवेश है? q1, q2 और q3। q1 का मान कितना? माइनस का q। q2 का मान कितना? माइनस का q। q3 का मान कितना? प्लस का 2q। बताओ भाई जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। विभव कितना हुआ? 0 हुआ। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन हो गया विभव, विभव अदिश राशि थी, ऐसे ही कैलकुलेट होती है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो दिशा देखो, माइनस का क्यू आवेश और इधर माइनस का क्यू आवेश, कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा ऐसा? अरे आकर्षित ही तो करेंगे ना, तो ये ऐसा, और ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है और ये समान आवेश है, तो इन दोनों का परिणामी कहाँ की ओर जाएगा? इस तरफ जाएगा। इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि एक का इधर है एक का इधर है, तो दोनों का परिणामी निकालोगे तो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगा। फिर ये वाला प्लस का आवेश है, प्लस वाला आवेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ये लो प्रतिकर्षित है, तो इसका भी ऐसा ही जाएगा क्या? तो गौर कीजिए, विद्युत क्षेत्र जो है वो तो अधिकतम मिलेगा क्योंकि एक ही दिशा में काम कर रहा है, देख लो, क्योंकि एक ही दिशा में काम कर रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, कैलकुलेट किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, कौन शून्य है भाई? विभव शून्य है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर अगर सारे आवेश समान होते, सारे आवेश समान होते मतलब ऐसा सिनेरियो समझिएगा,
ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू, और संभव त्रिभुज होता। इस केस में उल्टा होता, इस केस में विद्युत क्षेत्र शून्य होता। इस वाले में अगर समान परिमाण और प्रकृति के आवेश होते हैं कोनों पर तो विद्युत क्षेत्र शून्य, विभव अशून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो आवेशों का देखो प्रकृति अलग अलग है, तो फिर तो कैलकुलेट करना वाजिब है, ठीक है। ये और ये केस अलग अलग है, आवेशों का वितरण समझना भी जरूरी है। तो क्या आएगा भाई देवताओं, क्षेत्र शून्य है? नहीं भाई, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, ये तो गलत हो गया। बी देखे, क्षेत्र शून्य नहीं है, ये ठीक है, परंतु विभव शून्य है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन पे टिक लगा लो, ठीक है, बी ऑप्शन पे टिक लगा लो। हाँ भाई 44 सभी को, सॉरी 44 नहीं 14 है, 44 कहाँ से आ गया इतनी जल्दी, हाँ 14 सभी का सही है। ये सवाल कर चुके हो ना देवताओं, बताने की जरूरत है क्या? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना बच्चों, कि जहाँ पर बल रेखाएं पास पास हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ बल रेखाएं दूर दूर है वहाँ विद्युत क्षेत्र कम है। तो आप देखेंगे कि ए बिंदु पर क्या है, बल रेखाएं पास पास हैं, तो ए का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, किससे? बी के विद्युत क्षेत्र से, ठीक है। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलो 15वां और आज का अंतिम, इसके आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए क्या है, एक त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी शून्य। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ये सवाल तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान आवेश हो तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, क्यों होगा वो भी देख लो। चाहे इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, तो इन दोनों विद्युत क्षेत्र का परिणाम ही इस तरफ होगा, ठीक है, इन दोनों का परिणाम ही इस तरफ है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। खत्म करते ही आप देखेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना? शून्य। लेकिन विभव शून्य नहीं होता, विभव का मान तो अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य होगा। सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, ये बात समझ में आया, क्लियर। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कल एक वापस से नया सवाल आएगा, कहाँ पर? कम्युनिटी टैब पर। तो रोजाना कम्युनिटी टैब को देखते रहिए, आपको सवाल मिलते रहेंगे और आपके आंसर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इससे मेरे सोचने का दायरा भी बढ़ता है ना, मैं भी सोच पाता हूँ कि हाँ ये तरीका भी हो सकता है। तो आप जितने तरीके के आंसर देंगे, अपना लॉजिक बताएंगे ना, वो बहुत बढ़िया है बच्चों। इससे औरों को भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, और शायद मैं भी आपको एक नई चीज़ बता पाऊँ। जैसे अगर वही वाला सवाल लेते जिसके अंदर ऐसा ऐसा बता रखा था, है ना, ऐसा ही सवाल मैंने दिया था, और यहाँ पर ए बिंदु है और आर दूरी पर कोई बिंदु भी है, और पूछा था कि कहाँ पर क्या रिलेशन होगा। तो मैं क्या समझता हूँ, देखो मेरा एक लॉजिक क्या बैठता है वो और मैं बताता हूँ। तो जब मैं इन बल रेखाओं को देख रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ दिख रही है कि ये बल रेखाएं शायद किसी एक बिंदु से ही आ रही होंगी, ठीक है, और वो सोर्स चार्ज है। वो कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। ऐसे केस में जब एक बिंदु आवेश से हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता जाता है, सभी को पता है। तो ये ए पास में था, विद्युत क्षेत्र ज्यादा, बी दूर था, विद्युत क्षेत्र कम। एक लॉजिक ये भी तो हो सकता है, मेरी अप्रोच समझ में आई आप सभी को, ठीक है। तो जब फैलता हुआ हो ना तो ऐसा समझ जाइएगा कि ये भी एक अप्रोच हो सकती है, और आपकी अप्रोच तो बहुत बढ़िया थी, सीधी सिंपल और सटीक, है ना, बल रेखाएं पास पास में है विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, बल रेखाएं दूर दूर है विद्युत क्षेत्र कम है, बहुत बढ़िया। चलो काम हो गया आज के लिए बच्चों, इतना ही। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें, और हो सके तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।